दोस्तों लोनी रोड एलआईजी की बात करें तो देवेंद्र शर्मा जी ने 300 वोटों से जीत हासिल कर पूरे के पूरे पैनल को कामयाब बनाया हमारे बीच में। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरी तरफ से भी भारत टीवी को धन्यवाद और मैं क्षेत्र के सभी अपने निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। ये जीत मेरी नहीं है, 1280 लोगों के निवासियों की जीत है। जितने भी लोग एलआईसी में रहते हैं सभी लोगों की जीत है। वही बात करें कितने वोट, लगभग 300 वोटों से आप जीते हैं, अच्छी खासी ये जीत मानी जाती है। ये सब आप ऐतिहासिक जीत समझो, मैं नहीं समझता इससे पहले इतने वोटों से कोई भी जीता है। और ये जितना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया है, ये यहाँ की कुछ कमियां रही होंगी पीछे जिनकी वजह से मुझे मिला है, इन लोगों की उम्मीदें मेरे से कुछ हैं उसकी वजह से मैं 300 वोटों से जीता। दूसरे दल की बात करें तो राजनीति के अंदर इतना गंद फैलाना क्या संभव? सर, ये लोग जिस सोच के साथ चलते हैं लोगों ने उसके उल्टे उल्टी विचारधारा के इनको जवाब दिया है। इससे आप अंदाजा लगाइए क्या है इनकी सोच, क्या है और लोगों की विचारधारा क्या है। मुद्दों की बात करें, जिन एजेंडों के साथ आप जनता के बीच में गए थे, अब वो पूरा करने का? सर, मेरा ये प्रयास रहेगा और मैंने अपने साथ में अपनी जो टीम ली है वो युवा टीम ली है, बुजुर्गों का अनुभव और युवा टीम का साथ लेकर हम पूरा प्रयास अपना करें कि जो काम पिछले 10-15 सालों से यहाँ नहीं हुए उस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले टाइम में लोग हमें याद करें और हमें आगे मौका दें। मुख्य प्रायोरिटी पर सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम यहाँ का साफ सफाई का काम है, सिक्योरिटी का काम है जो यहाँ पे नहीं हो रहा है, काफी अवैध पार्किंग है उसका काम है। जी, वही सुरक्षा के लेजे से बात करें तो क्या नाम है, काफी जरूरत है यहाँ पर सुरक्षा को? नहीं, हमारा हाँ सुरक्षा का बहुत यहाँ पे है, पार्कों में बहुत अवैध लोग बैठते हैं आके पार्किंग, सुबह स्कूल के टाइम भी बच्चे यहाँ पे आके बहुत गलत हरकतें करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को रोकने का हमारा प्रयास रहेगा पूरा कि अंदर के बाहरी जो गुंडा एलिमेंट है मैं कहूँगा उनको, वो ना अंदर प्रवेश कर सके। एक बहुत ही सुरक्षा का जो असुरक्षा का माहौल है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं पे देखने में आता है कि सामने ही थाना है और फिर भी हरकत हो जाती है। हरकत होती है सर, अंदर क्या होता है, हम लोगों का पूरा यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, अंदर पूरे असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और कॉलोनी के जो निवासी हैं उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम पुलिस के साथ भी सहयोग करके काम करेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी असामाजिक तत्व अंदर ना प्रवेश कर सके। वही बात करें निगम पार्षद की, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के निगम पार्षद इस समय प्रायोरिटी पर है, तो सब स्वच्छता का तो जहाँ तक ख्याल है निगम पार्षद सभी लोग स्वच्छता के प्रयास में लगे हुए हैं और मैं उन सबका सहयोग लेकर यहाँ पे साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा भी है कि मुझे पूरा सहयोग उन लोगों का मिलेगा। एक बार जनता को क्या धन्यवाद? मैं जनता को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अथक प्रयास उन लोगों के रहे हैं मुझे जिताने के लिए, उनका अभूतपूर्व प्यार और स्नेह सहयोग जो मुझे मिला है उसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा और अपना पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी जो उनकी अपेक्षाएं मेरे से उनको मैं पूरा कर सकूँ।